नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनक ठक्कर। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धार जिले के तिरला तहसील के ग्राम छिकलिया के कृषक मनोज पाटीदार से चर्चा की। मनोज पाटीदार ने प्रधानमंत्री से चर्चा करते हुए नए कृषि कानून का समर्थन किया। धार केपीजी कॉलेज स्थित एडिटोरियम में आज पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त के हस्ताक्षरण कार्यक्रम में छिकलिया के किसान मनोज पाटीदार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की। चर्चा में उन्होंने किसान से कृषि बिल पर चर्चा की। किसान ने कृषि का समर्थन किया। वहीं प्रधानमंत्री ने कृषि बिल के विरोध में चल रहे आंदोलन पर नेताओं का निशाना भी साधा। इस अवसर पर धार विधायक नीना वर्मा, कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, सीईओ जिला पंचायत संतोष वर्मा, एडीएम सोलंकी सहित बड़ी संख्या में कृषक और अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के बारे में बात बताई, नए कृषि कानून के बारे में बात बताई और किसान को कई विकल्प दे दिए कि वो अपना माल चाहे वहाँ बेच सकता है। और किसान सम्मान निधि से किसानों को, छोटे किसानों को उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। ये बात किसान भी महसूस कर रहे हैं और ये बात आज प्रधानमंत्री जी ने समझाई। कैसा लगा आपको आज प्रधानमंत्री ने खुद आपसे चर्चा की? ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे बात करने के लायक समझा और मैं उनसे बात कर सका। आपने क्या सुझाव दिया? मैंने बताया कि ये जो नया कृषि कानून आया है इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं है, उसके लिए कई विकल्प खुल गए हैं, तो वो अपनी जो उत्पाद है, फसल है, वो चाहे वहाँ बेच सकता है। अच्छा, आपने पहले कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री जी से मेरी कभी जीवन में बात हो सकेगी? जी नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। मुझे पता नहीं कि नाम ऊपर कैसे गया, कैसे मेरा नाम चला गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। वो धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।